जय यीशु, यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड जय मसीह की। हम सब प्रार्थना योद्धा परिवार, हमारी अगुआ सिस्टर एस्थर, ब्रदर राज और हम सब मिलकर फिर से इस संध्या प्रार्थना सभा में आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे और ईश्वर के वचनों के अनुसार अपने जीवन को जीने का प्रयास कर रहे होंगे। तो आइए आज प्रभु जिनके माध्यम से कार्य करेंगे उस क्रम को हम देखेंगे। आरंभिक प्रार्थना करेंगी बहन रश्मि, आराधना में अगुवाई करेंगी बहन मैरी, बहन सोनम, बहन रश्मि और मैं। वचन को पढ़ूंगी मैं और वचन की उद्घोषणा और अंतिम आशीष की प्रार्थना भाई राज के माध्यम से होगी। तो आइए इस वक्त हम सब जहाँ कहीं भी हैं हम सब शांत हों और हम सब प्रार्थना की अवस्था में आए। धन्यवाद। आइए इस वक्त हम सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जुड़ेंगे। धन्यवाद करते हैं हे जीवित महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, इस वक्त के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हम जीवित पाए जाते हैं पिता, और आज के इस दिन पर फिर से इस पल में प्रभु हम आपके समक्ष आ पाते हैं। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता, हे यीशु, हे पवित्र आत्मा, आइए इस वक्त में हमारे जीवन में हमारे बीच में आइए और हमें अपनी आशीषों से भरिए। हे पिता, आज किस दिन पर और बीते जीवन में हमने जाने अनजाने में अपने सोच से, अपने वचन, अपने कर्म से प्रभु जिस भी रीति से हमने आपको दुखित किया है पिता, हम हर एक गलती, हर पाप के लिए क्षमा मांगते हैं। या प्रभु हम आपके बच्चों के लिए, जिन किन्हीं के लिए भी प्रभु ठेस और ठोकर का कारण बने हो पिता, हम उन गलतियों के लिए भी प्रभु आपसे क्षमा मांगते हैं। हे पिता, इस वक्त हम सबों का नियंत्रण हम आपके हाथों में देते हैं। हे पिता, इस वक्त जितने आपके बच्चे जो यूट्यूब के माध्यम से आपसे जुड़े हैं प्रभु, जो इस वक्त पिता इस आराधनालय में उपस्थित है, हम हर एक जन को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हमारे परिवार जनों को प्रभु हम आपके हाथों समर्पित करते हैं और हर एक के जीवन में प्रभु आपकी उपस्थिति को मांगते हैं। और हे पिता परमेश्वर, इस वक्त फिर से प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि हम जीवित पाए जाते हैं, आज किस दिन को देख पाते हैं और आज किस दिन पर प्रभु हम जहाँ कहीं भी गए, हम जिन भी कार्यों को किए पिता, आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में बनी रही। हे प्रभु, हमारे जीवन में आपने जितने भी आशीषों को दिया है प्रभु, हम उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। तूने हमारी हर एक प्रार्थनाओं को सुना है पिता, हम इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। तू हमारे हर एक तकलीफ को, हर एक कष्ट को जानता है पिता और हमें आशीषित करता है पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, इस वक्त में लाइट्स, इंटरनेट, तमाम इंस्ट्रूमेंट्स को प्रभु हम आपके हाथों समर्पित करते हैं पिता। हर डिस्टर्बेंस की बातों को प्रभु तो इस जगह से दूर करना। और हे पिता परमेश्वर, सब कुछ को आपके हाथों समर्पित करते हुए मांगते हैं हर प्रार्थना को यीशु के नाम से। इन्हीं दया से सुन और स्वर्ग के राज्य में तू ग्रहण कर। आइए इस वक्त हम सब जहाँ कहीं भी है हम सब इस आराधना में शामिल हों। इस वक्त हम प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें। इस वक्त हम अपने मुखों से प्रभु ने हम सबको जितनी भी आशीष दी है उन तमाम आशीषों के लिए इस वक्त हम प्रभु का धन्यवाद करें। आइए इस वक्त हम आराधना में आगे बढ़ेंगे।
प्रभु के आदर में और एक गीत के माध्यम से प्रभु की स्तुति करेंगे। पल तक पिता
आपने हम सबों को एक नई शक्ति, नए बल को दिया है पिता, ताकि हम पिता ईश्वर तेरे मार्ग पर और भी बहुत आयत से चल पाए, तेरी शिक्षाओं आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर पाए। प्रभु हाँ मेरे पिता ईश्वर, हम धन्यवाद करते हैं तूने जो हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है। आज तू अपने वचनों के माध्यम से प्रभु हम सबों को एक नई शक्ति सामर्थ को प्रदान करने जा रहे हैं। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, आज के दिन को तेरे हाथों देते ईश्वर, आज की वचन उद्घोषणा को तेरे हाथों देते ईश्वर, सारा आदर प्रभु आपको देते हैं और यह प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। इसे सुनिए और स्वर्ग के राज में आनंद से ग्रहण कर दीजिए। आमीन। यहाँ के लिए आज का जो ठहराया गया वचन है, जो प्रभु ने अपनी बेटी अपनी दासी सिस्टर एस्थर के माध्यम से दिया है, उस वचन को हम सुनेंगे। रोमियों की पत्री, रोमियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय एक पद, अध्याय आठ पद संख्या एक और 26 से 28। जो लोग ईसा मसीह से संयुक्त हैं उनके लिए अब कोई दंडाज्ञा नहीं रह गई। आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। हम यह नहीं जानते कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, किंतु हमारी अस्पष्ट आहों द्वारा आत्मा स्वयं हमारे लिए विनती करता है। ईश्वर हमारे हृदय का रहस्य जानता है, वह समझता है कि आत्मा क्या कहता है, क्योंकि आत्मा ईश्वर के इच्छानुसार संतों के लिए विनती करता है। हम जानते हैं कि जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं और उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करता है। यहाँ तक यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबको जय यीशु, यीशु सहाय। आइए हम प्रार्थना करें। कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सब के रचयिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद प्रार्थना परिवार के लिए और ऐसी जितनी संस्थाएं हैं, चर्चेज हैं, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं सिस्टर स्तर और ऐसे जितने तरह से सेवक, दास दासी, फादर, प्रेस्ट, पादरी, स्वतंत्र रूप से सेवकाई करने वाले लोग हैं, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं कि पिता गर्भ से लेकर अब तक तूने हमें संभाला, हमारी छोटी से लेकर बड़ी सारी ज़रूरतों को अपने शाही खत्ते खोल के पूर्ण किया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू जानता है, तू वो हर चीज़ जानता है जो हमारे द्वारा सोचा जाता है, करा जाता है। प्रभु उन तमाम कार्यों के लिए, सोच के लिए, विचार के लिए, बोली के लिए जो हमने आपकी इच्छा के विरुद्ध किया है, उसके लिए तुझसे दिल की गहराइयों से क्षमा चाहते हैं। अपने पुत्र यीशु के लहू से धो के शुद्ध और पवित्र कीजिए और उसी दया, उसी प्यार, उसी अनुग्रह को फिर से दिखाइए जिसकी वजह से आपने यीशु को पृथ्वी पर भेजा था, उन्हें पिटने दिया था, उन्हें गाड़े जाने दिया था, उनके मारे जाने दिया था, उनका पुनरुत्थान कराया था। प्रभु उसी दया को फिर से हमारे जीवन में दिखाइए। प्रभु ये वचन जो आपके आत्मा के द्वारा रचित है, प्रभु इसको समझने और समझाने में हमारी मदद कीजिए। जो भी डिस्टर्बेंस की बातें हैं, जो भी रुकावट की बातें हैं, वो सब यीशु के नाम से समाप्त करते हैं। धन्यवाद की यह प्रार्थना प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। आज जो वचन मिला हम लोगों को वो रोमियो 8:1, 26 से 28।
अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी ही आहें भर भर के जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है, और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखता है उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। देखिए, जब कोई भी विश्वासी और क्रिश्चियन परिवार के लोग मेरे पास आते हैं और उनका ये कहना होता है कि भैया बहुत तकलीफ में, बहुत, ये तो सही है, चलिए तकलीफ तो बता रहे हैं तो सही है, लेकिन कहते हैं कि पता नहीं ये किस जन्म का पाप है ना, ये कौन सा दंड है मेरे माँ बाप के किया क्या किया के द्वारा किया गया, मेरे भाई बहन के द्वारा किया गया, या मेरे गुनाह की कौन सी सजा हमें मिल रही। कल ही रात में मैं किसी के यहाँ से लौट रहा था तो बातचीत चला, तो कुछ बातें हुई, तो बातों के दरमियान मैंने कहा कि अगर आपको लगता है कि दंड दे रहा है प्रभु, तो सबसे ज़्यादा तो दंडित मुझे होना चाहिए, क्योंकि मेरे पूर्वज तो पहले नियम को एकदम तारोतार किए हुए। अगर मूर्ति पूजा करना पहले नियम का विरोध है तो वो तो मेरे घर में ज़्यादा हुआ है, अभी भी मेरे सारे रिलेटिव यही करते हैं, तो मुझे तो दंडित हो जाना चाहिए था, मुझे तो श्रापित होना चाहिए था, लेकिन ऐसा दिख रहा है मेरे चेहरे से कि मैं श्रापित हूँ या दंडित हूँ। क्यों? तो ये दंड की आज्ञा जिनको प्रभु का आत्मा मिला है, जो आत्मा के अनुसार चलाए जाते हैं, जिनके लिए यीशु मसीह मरा, यीशु मसीह मरा क्यों? इसीलिए तो मरा कि हमारे ऊपर जो दंड, हमारे ऊपर जो श्राप, हमारे ऊपर जो पाप लादा गया था आदम के द्वारा। पाप कहाँ से आया पहले ये बात समझनी चाहिए आप लोग। पाप यहोवा के द्वारा आदम के रूप में पहला पाप आया, पाप प्रवेश करने का कारण बनी यहोवा, और लेकिन आदम के द्वारा पाप की, एक मनुष्य के द्वारा पाप की एंट्री हुई, इसीलिए एक मनुष्य के द्वारा ही पाप को समाप्त करने का प्लान बनाया गया। ये बहुत गहरी बात है, पूरा बाइबल का निचोड़ है, इस बात को समझना होगा आपको। एक मनुष्य के द्वारा पृथ्वी पे पाप आया और एक उस दूसरे मनुष्य के द्वारा पृथ्वी के पाप से मुक्ति किया गया। यीशु नहीं आते, यीशु को भेजा ही इसीलिए गया था कि एक निश्चल निष्कलंक मेमला को बलि किया गया हमारे दंड के लिए, हमारे पाप के लिए, हमारे श्राप के लिए, और वहां से बलि प्रथा को समाप्त कर दी गई। इकलौता वही बलिदान करने के बाद सारा चीज का समापन हो गया, लेकिन अभी भी जो लोग यीशु को मानते, जो बाहरी लोग हैं जो यीशु को नहीं जानते हैं, वो अगर कुछ कहते हैं तो चलो मान लेते, लेकिन जो लोग यीशु को जानने वाले लोग हैं वो अगर आके कहते हैं कि हम दंड में हैं, हम श्राप में हैं, हम परेशानी में हैं, प्रभु कई बार ताड़ना देता है, थप्पड़ मारता है, गुस्सा करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप में दंड आ रहा है, श्राप आ रहा है। आज बहुत सारे सेवक लोग भी घर में चले जाते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले मेरे पास एक माँ आई, उनके पास कोई सेवक चले गए थे, तो उनका कहना था कि मेरी बेटी दरवाज़ा बंद कर लेती है, खाना नहीं खाती है दो दो दिन। एक सेवक महोदय गए वहाँ और कहने लगे कि आप पे दंड है भाई, क्या करना होगा? तो श्राप मुक्ति कराना होगा,
इन सब चीज़ों से आपको मुक्त कराना होगा। भाई आप कैसे कराओगे? तो पता नहीं वो कौन सा सिस्टम जानता है लोग, सेवक लोग, कि सेवक लोग जाके दंड से मुक्त कर देता है घर को। अगर ईश्वर किसी को दंड देने पे आए तो किसी सेवक से मुक्ति मिलेगी क्या उसको? कोई सेवक जाके किसी को श्राप मुक्त कर सकता है, दंड मुक्त कर सकता है, क्लेश से मुक्ति दिला सकता है? फिर सेवक में और यीशु मसीह में फर्क क्या रह गया? फिर यीशु मसीह को आने की जरूरत ही नहीं थी, सब सेवक लोग ही कर देता। वो जाके कहानी सुना रहे थे। अब वो महिला भागे भागे मेरे पास आ गई, ये मेरे पूर्वज का दंड अभी तक खत्म नहीं हुआ। हम लोग यही वचन उनको पढ़ाए कि रोमियो 8:1 पढ़िए, अगर आप यीशु को मानती हैं, अगर यीशु का आत्मा आपके अंदर है, अगर यीशु के आत्मा के चलाए आप चलती हैं, तो आपके लिए कोई दंड की आज्ञा लागू नहीं होती है। आपके लिए कोई भी दंड की आज्ञा लागू नहीं होती है, ये बकवास है। और ये हर घर में, हर तीसरे घर, चौथे घर, हर दूसरे घर में, और सबसे ज़्यादा तो विश्वासी क्रिश्चियन परिवार के में ये लोगों के अंदर वहम बैठा हुआ है कि ये कर लेंगे तो वो हो जा रहा, वो कर लेंगे तो वो हो जाएगा, वैसे कर लेंगे तो वैसे हो जाएगा। उनके दिमाग में आज भी ये बैठा हुआ है। आज भी लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं बिल्ली रास्ता काट गई। मैं हंसता हूँ, बताइए कब निकलिएगा आप इस बात से? आज भी लोग कहते हैं कि आज का दिन बहुत शुभ था। ये मैं विश्वासी लोगों की बात बताता हूँ। ये आदमी कल ही परसों मेरे पास कोई आया, बोला ये आदमी मेरे लिए बहुत लक्की था। ये सारी बातें कौन कहता है? ये सारा लैंग्वेज, ये सारी बातें, ये सारी सोच किसके अंदर होती है? जो लोग यीशु को नहीं जानते। यीशु को जानने वाले के लिए तो हर दिन आशीषित है। मैं प्रार्थना में रोज ही करता हूँ कि धन्यवाद प्रभु आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। एक गाना हम लोग गाते हैं कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें दुखी हों। क्या भूषण भाई, क्या हो? आनंदित हो। आपका हर दूसरा, हर पहला आने वाला सेकंड, ये जब तक प्रभु नहीं चाह रहा है आप नहीं उसको हासिल कर सकते हैं, और वो आपके लिए आनंद है। अगर आप यीशु मसीह के चलाए चलते हैं, यीशु मसीह को मानते हैं, यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, तो जितनी भी दुनिया में घटनाएं घट रही है वो सब आपके लाभ के लिए हो जाएगा, चाहे क्षणिक में वो हानि लग रहा हो, चाहे कुछ भी लग। आपके पेट में दर्द हो रहा है, लाभ के लिए है। आपके घर में पानी नहीं आ रहा है, लाभ के लिए है। आप कर से बदहाल हो रहे हैं, आप लाभ के लिए है। आपके घर में किसी की मृत्यु हो गई है, लाभ के लिए है। आप एग्जाम में फेल कर गए हैं, लाभ के लिए है। आपका ब्रेकअप हो गया है, लाभ के लिए है। आपकी शादी टूट गई है, लाभ के लिए है। आपको बरसों से बच्चा नहीं हुआ है, लाभ के लिए। तो जब 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 इस कंडीशन पे आप अपने जीवन को देखने लगिएगा तो आपको आनंद मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मान लीजिए आपको खाने के लिए नहीं हो, लेकिन आपके दिमाग में हो कि ये मेरे लाभ के लिए है। क्यों? तो मैं यीशु मसीह को मानने वाला हूँ, यीशु मसीह पे विश्वास करने वाला हूँ, यीशु मसीह की आत्मा से चलाए चलता हूँ। कोई बात नहीं, इसमें भी कोई भलाई छुपी होगी। ये बात हमारे यहां से लुप्त हुए जा रहा है, यही बात हमारे जीवन से समाप्त हुए जा रहा है। और पूरा का पूरा बाइबल हमें यही सिखाता है। अब्राहम को बरसों बरस बच्चा नहीं हुआ था। अब्राहम श्रापित था? नहीं, वो उसके लाभ के लिए हुआ कि हानि के लिए हुआ? लाभ के लिए हुआ। अगर अब्राहम को शुरू में ही बच्चा हो जाता तो आप उसको जानते भी नहीं। लाजर बीमार था, यीशु मसीह गए नहीं, 3 दिन बाद और पहुंचे वहां, लाजर मर गया। उसका मरना उसके लाभ के लिए हुआ कि हानि के लिए हुआ? लाभ के लिए हुआ। अगर यीशु मसीह वहां 3 दिन पहले ही पहुंच जाते तो उसको कोई जानता? नहीं जानता। यीशु मसीह का नहीं जाना, उस दिन उसकी प्रार्थना को नहीं सुनना, ये उसके लाभ के लिए हो गया।
ये उसके लाभ के लिए हो गया, फिर लाजर लाजर हो गया, लाजर हिस्ट्री बन गया। यीशु उसी दिन चले जाते तो उसका एक कहानी बहुत छोटा सा लिखा रहता और उसको कोई जानता भी नहीं। यीशु मसीह वहां नहीं गए, मतलब लाजर के बहन की प्रार्थना उस दिन नहीं सुनी गई, तो वो नहीं सुना जाना उसके लाभ के लिए हो गया, और यीशु मसीह का नहीं जाना उसके लाभ के लिए हो गया, उसका मरना उसके लाभ के लिए हो गया। अगर वो मरता नहीं, केवल बुखार ही उसका ठीक कर दिया जाता तो आप जानते थोड़ी उसको, जितनी बड़ी दुख उतनी बड़ी महिमा। मैं अपना पूरा का पूरा जीवन अगर आपके पास अभी खोल के रख दूं तो आपको लगेगा कि मेरा पूरा का पूरा जीवन अभी जो स्थिति है अगर वो नहीं होता तो आज मैं यहां नहीं होता। तो पीछे हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटी है, चाहे वो जितनी बुरी क्यों नहीं हो, लेकिन वो मेरे लाभ के लिए थी, तभी मैं यहां खड़ा हूं। जैसे बहुत सारा उदाहरण मैं दे सकता हूं, मेरी शादी मेरे लाभ के लिए हो गई, मेरा बच्चा मरना मेरे लाभ के लिए हो गया, मेरा घर छूट जाना, पुलिस केस होना और घर छूटना मेरे लाभ के लिए हो गई, नहीं तो आप लोग मेरा शकल भी नहीं जानते, मेरा बचपन में नौकरी नहीं लगना मेरे लाभ के लिए हो, मेरी अब से पहले जितनी भी बिजनेस मैंने करा था 14 से पहले वो सब फ्लॉप कर जाना या बार बार विकसित होके गिर जाना वो मेरे लाभ के लिए हो गया, क्योंकि अगर मैं कहीं और भी सेटल हो जाता तो मैं शायद सिस्टर स्तर के हाथ नहीं लगता या सेवकाई कभी भी नहीं कर पाता। वो क्या था? वो लाभ के लिए था। जितनी भी घटनाएं आप इस ढंग से आप अगर आप सोचेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो भी चीज आपके जीवन में हो रहा है, यीशु मसीह को आप मानने वाले हैं, यीशु मसीह के प्रेम करने वाले लोग हैं, तो जितनी भी घटनाएं आपके घट रही है जो अभी नहीं दिख रहा है लेकिन भविष्य में ये लाभ के लिए होने वाला है, और अभी आपको ये लग रहा है कि मेरी नौकरी नहीं हो रहा है, मेरा बच्चा नहीं हो रहा है, मेरा विवाह नहीं हो रहा है, मेरा घर नहीं बन रहा है, मेरा ये नहीं हो रहा है, मेरा वो नहीं हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है कहीं कोई दंड तो नहीं है। अपने आप को दंडित समझना, अपने आप को श्रापित समझना, अपने आप को कलंकित समझना, इसका मतलब कि आप अविश्वासी हैं, आपको यीशु मसीह पे विश्वास नहीं है, उसके शक्ति पे विश्वास नहीं है, उसके नाम पे विश्वास नहीं है, उसके कोड़े खाने पे विश्वास नहीं है, उसके मारे जाने पे विश्वास नहीं है, उसके गाड़े जाने पे विश्वास नहीं है, उसके पुनरुत्थान पे विश्वास नहीं। और पौलुस कहते हैं कि जो यीशु मसीह को जानता है और उसके मारे जाने पे, गाड़े जाने पे और उसके पुनरुत्थान पे विश्वास नहीं है, वो विश्वासी कैसे होगा? जब आप ये समझ ही नहीं सकते कि यीशु मसीह आपके लिए जिया है तो आप फिर यीशु मसीह को जान के और नहीं जान के क्या फायदा? फिर तो नॉर्मल आदमी के पीछे क्यों चलना है आपको? बहुत लोगों का आज सवाल है कि हमको प्रार्थना नहीं आता है, पता नहीं प्रार्थना हो पाता है कि नहीं हो पाता, और जबकि बाइबल कहता है 26 को पढ़िए, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। प्रार्थना आप नहीं करते, प्रार्थना आपके अंदर आत्मा जो है वो करता है, और वो ऐसे प्रार्थना करता है जो आपके समझ से बाहर है। जब जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो प्रार्थना करा लेगा, आपसे कर लेता है, वो करा लेता है। परेशानी उसको है जो उसको नहीं सुनता है, परेशानी उसको है जिसको नहीं सुनता है। जब आप आत्मा की सुन रहे हैं तो आपको किसी अन्य गुरु की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो सब कुछ करा लेगा आपसे, वो आपसे प्रचार करा लेगा, मतलब जो भी जिस भी तरह का आत्मा आपको मिला है, जिस तरह का आत्मा मिलना कि जिस तरह का आपका अभिषेक किया गया है उसी तरह का आपका आत्मा मिला, आपको आत्मा मिला है, तो वो काम आपको नहीं आपके अंदर वो आत्मा करा लेगा आपसे, क्योंकि उसको करना है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिंदगी में हमेशा
ये बात समझ के चलना होगा। अगर जिस दिन से ये बात समझने लगे आप कि जो भी हो रहा है आपके भले के लिए हो रहा है, हरिवंश राय बच्चन साहब और इनके पुत्र अमिताभ बच्चन साहब, हरिवंश राय बच्चन साहब का एक कोट है, बहुत फेमस कोट है, शायद आपने भी सुना होगा, मन का हो तो और अच्छा, मन का हो तो अच्छा और मन का नहीं हो तो और भी अच्छा। और ये बात अमिताभ बच्चन साहब बहुत बार दोहराते भी रहते हैं, हालांकि ये उनके पिताजी का कोट है, मन का हो तो अच्छा और मन का नहीं हो तो और भी अच्छा। तो मन का नहीं होगा तो किसके मन का होगा? ईश्वर के मन का होगा, और ईश्वर हमारे लिए कभी बुरा नहीं करता। अभी घटना कुछ बताते हैं हम आपको, मन का हो तो अच्छा और मन का नहीं हो तो और भी अच्छा। ये अगर आप 2400 घंटा सोच रहे हैं तो आपके दिमाग में ये आएगा नहीं कि आप दंडित हैं, श्रापित हैं या भविष्य में कुछ होगा। तो सबसे पहली बात क्या होगी कि आप दुखी रहना बंद कर देंगे, क्योंकि आप हर वक्त प्रार्थना कर रहे हैं। अब इसको बाइबल के भाषा में बताते हैं, ये तो आपको मैंने साधारण सी कोट बता दी, अब इसको वचन में ला के बताते हैं। हे पिता, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूर्ण, मन का हो तो अच्छा, मन का नहीं हो तो और भी अच्छा। हे पिता, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूर्ण हो गया ना, मतलब बाइबल के अनुसार इसी बात को साधारण करके बताया गया है। जब हर बात ये बात आप याद रखेंगे कि मेरी नहीं तेरी इच्छा पूर्ण हो, मन का हो, मेरे मन का हो तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारे ही मन का हो जाए, है ना, तो आप दुखी रहना बंद कर देंगे, आपके जीवन में खुशहाली आ जाएगी। और आप विश्वासी होने का मतलब यही है ना कि ईश्वर पे विश्वास करना कि तू जो करता है मेरे लिए अच्छा करेगा। हम किसी से प्यार करते हैं, हम किसी पे विश्वास करते हैं तो क्या करते हैं कि भूषण अच्छा ही बजाएंगे, क्या भूषण ट्रस्ट नहीं होगा तो हम इनके साथ आराधना में खड़े नहीं हो सकते। ट्रस्ट ही है ना कि भूषण जब भी गाएंगे तो अच्छा ही गाएंगे, अच्छा ही बजाएंगे, कभी कुछ गड़बड़ हुआ तो मिस्टेक है। हम किसी से कोई काम कराते हैं, खाना बनवाते हैं, तो हमको ट्रस्ट है ना कि वो उसमें जहर नहीं डालेगा, ये तो विश्वास है। हम किसी से गाड़ी ड्राइव करवाते हैं तो हमको आंख बंद करके हम लोग सो जाते हैं, क्यों? तो हमको ट्रस्ट है कि जो ड्राइवर ड्राइव कर रहा है वो हमारा नुकसान नहीं कराएगा, हमारे नुकसान नहीं कराएगा, इसी को तो ट्रस्ट कहते हैं। तो पूरे संसार का जो संचालक है, ड्राइवर है, उस पे अगर आपको विश्वास है तो आप निश्चिंत कैसे नहीं रहिए? फिर बार बार जितनी भी समस्याएं आ रही है आपके जीवन में, उसके लिए आप अपने आप को क्यों कोस रहे हैं या किसी और को क्यों कोस रहे हैं? और जो भी घटनाएं घट रही है आपको क्यों लग रहा है कि ये आपके विनाश के लिए? इसका मतलब कोई पावर है ही नहीं, कोई शक्ति है ही नहीं, किसी का किसी पे कंट्रोल है ही नहीं। आपको हमेशा याद रखना होगा कि मन का हो तो अच्छा और मन का नहीं हो तो और भी अच्छा, इसका मतलब ईश्वर की इच्छा पूर्ण हो रही है। हालेलुया। कुछ घटनाएं मैं अपने जीवन को आपको साझा करूंगा। बचपन में मैं बिजनेस करना चाहता था, आज भी करना चाहता हूं। तकरीबन कितने सारे बिजनेस मैंने कर रखे होंगे, मुझे तो अब गिनती भी भूल गया मैं उसको। और जब भी मैं प्रकाष्ठा पे पहुंचता था, जैसे लीडो के सिस्टम में आपको मैं बताऊं, कभी आप लोग लीडो खोले हो खेले हो गए, तो उसमें 100 पे पहुंचना होता है हम लोग, लेकिन 99 पे सांप बैठा रहता है ना, कई बार 99 पे जाने पे सांप डस लेता है, और उसका जो पूंछ रहता है 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे रहता है ना, उसमें आप सीधे 99 से कहां पहुंचते हो? 2 सीधा। तो मेरे जीवन में ये बहुत बार हुआ कि मैं 99 पे पहुंचा, अब मुझे लगता था कि मैं फिनिश कर जाऊंगा, और सांप आके डसा, और डस के मैं सीधा 1 पे 2 पे पहुंचा। और ये एक बार नहीं घटी होगी घटना, ये मुझे याद है कि 7th और 8th से ये 100 बार घटना मेरे जीवन में घटी होगी। मैं जितनी बार डसता था उतनी बार मैं फिर अपने और एनर्जी से फिर कोई नया काम लेके खड़ा हो जाता था, फिर लोगों को लगता था कि अच्छा बहुत सेटल हो गया है, फिर कुछ दिन के बाद वो डस लेता था, फिर मैं बैकग्राउंड में नीचे चला जाता था।
तो उस समय मेरे दिमाग में कभी भी ये नहीं आया कि मैं हार जाऊंगा, मैं थक जाऊंगा, मैं टूट जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा, मुझे कोई हरा देगा। आज भी मेरे दिमाग में नहीं आता है कि मैं हार जाऊंगा। मुझे बस ये होता है कि कहीं देर हो सकता है, क्योंकि प्रभु की क्या योजना है मुझे नहीं पता है। मुझे नहीं हो पता, मुझे आज तक ये नहीं लगा कि मैं फेल कर जाऊंगा, मैं लाइफ में सक्सेस नहीं होऊंगा, ये कभी भी मुझे नहीं लगा, कतई नहीं लगा। कभी दिमाग में आता भी है तो मैं किसी से फ़ोन पे बात कर रहा हूँ या सिस्टर सर अगल बगल बैठी है तो मैं पूछ लेता, आपको क्या लगता है मैं सक्सेस होऊंगा? बोलते हैं हाँ हो जाएगा। तो वो मतलब क्षणिक होता है, और मैं पूछता हूँ तो सामने वाला हाँ हो ही जाएंगे कन्फर्म, तो मैं ठीक हो जाता हूँ। मुझे ये डर ही नहीं है कि मेरा कुछ बुरा हो सकता, क्योंकि मैं जानता हूं कि बचपन से जो घटनाएं मेरे साथ घटी है उसमें जब भी मुझे हार का सामना करना पड़ा है, फिर से नए सिरा से पिता ने मुझे खड़ा कर दिया और बार बार किया है, बार बार किया है, बार बार किया है। और जब भी मेरी कोई जरूरत हुई है, वो चाहे एक रुपया की हो, चाहे एक लाख की हो, चाहे एक करोड़ की हो, प्रभु ने उसको प्रबंध कर दिया, प्रभु ने उसका प्रबंध कर दिया है। समय वो जानते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि मुझे जहां जाना है मैं जाऊंगा ही जाऊंगा। इसको क्या कहते हैं साधारण भाषा में भूषण भाई? इसी को ट्रस्ट कहते हैं। किस पे? तो सृष्टिकर्ता पे, कि आपके जीवन में चाहे जो हो रहा हो, आपको यकीन है कि प्रभु आपको जहां लेके जाने वाला है लेके चला ही जाएगा। हालेलुया। यही अगर जितनी बार मैं गिरा उतनी बार मैं ये सोचता कि मेरे ऊपर श्राप है, दंड किया गया है, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, मैं पता नहीं मेरा क्या होगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, है ना, मैं सुसाइड कर लूं, मैं भाग जाऊं कहीं छोड़ के, ये सब ख्याल आज तक मेरे दिमाग में नहीं है। मैं लोगों को कहता हूं कि भाग जाना एक प्रवृत्ति है, छोड़ना एक प्रवृत्ति है। जिसको ये लत लग गई है वो आज आपको छोड़ेगा, कल उसको छोड़ेगा, कल उसको छोड़ेगा, आज ये शहर से भागेगा, परसों उस शहर से भागेगा, तो उस शहर से भागेगा, आज अपना ये नंबर बदल देगा अपना, उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। आप किसी बच्चे को देखे हैं, आप जब जाके उसको डरावना चेहरा बनाइए तो वो क्या करता है? अपनी आंखें बंद कर लेता है। क्या उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है? उसको लगता है कि हम नहीं देख रहे हैं तो कोई डरने वाली चीज नहीं है, लेकिन डरने वाली चीज तो सामने ही खड़ी है ना। तो हम लोग उस बच्चे की तरह भाग जाते हैं परिस्थिति से। परिस्थिति से भाग जाना पर किसी परिस्थिति का समाधान नहीं है। आज प्रभु साफ साफ ये बात कह रहा है सब लोगों को कि पहले तो यह समझना ही नहीं है कि आप पे कोई श्राप है, कोई दंड है, कोई मुश्किल है। हाँ, एक बात हम लोग यहां दशाज्ञा में सुनाते हैं कि प्रभु कभी कभी थप्पड़ मारता हम लोगों को, है ना, प्रभु हम लोगों को दंड देता है। दंड मतलब वो दंड का सेंस पनिशमेंट होता है। यहां जो हम लोग श्राप की बात करते हैं जो हमारे पूर्वज से चला आ रहा है, उस दंड की आज्ञा खत्म हो जाती है जब हम प्रभु को मानने लगते हैं, यीशु मसीह को जानने लगते हैं। फिर से अगर हमारे जीवन में कोई परेशानी आती है तो हमने कहीं ना कहीं सुरक्षा कवच तोड़ा है, उसको रिकवर करने के लिए प्रभु इत्तला करता है कि देखो यहां गलती किए हो, इसको ठीक करो। उसमें और उसमें जमीन आसमान का फर्क है। वो जैसे आप सॉरी बोलेंगे वो रिकवर कर जाए। अब समस्या ये है कि आप सोच रहे हैं कि ये सारी घटनाएं हमारे जीवन में कब ठीक होगी, ये कोई नहीं जानता है। कोई भी नहीं जानता है कि आपके जीवन में विजय कब मिलेगा। ये सिर्फ एक ही जानता है, ना यीशु भी जानते हैं ना पवित्र आत्मा भी जानते हैं, ये सिर्फ ईश्वर जानता है कि किस घड़ी कौन से वक्त में आपके जीवन में आशीष आना है, अनुग्रह आना है, आपकी तरक्की होनी है, आप किस ऊंचाई पे जाओगे, सिर्फ वही जानता है। और इसको कैसे वो निर्धारित करता है, कैसे इसका पैमाना रखे हुआ है, कैसे इसका डायमेंशन रखे हुआ है, ये आज तक कोई पृथ्वी पे नहीं जाना है। आपके हाथ में एक ही काम है कि आप अपने काम को ईमानदारी से करें
और दिमाग में जो निगेटिव बातें आती है कि हम पे दंड है, श्राप है, हम पे पता नहीं हम कैसे जिएंगे, कैसे क्या करेंगे, हमको तो प्रार्थना तक नहीं आ रहा है, हमारे साथ तो हमेशा बुरा हो रहा है, ऐसा नहीं सोच के आपको ये सोचना है कि हमारे साथ जो भी हो रहा है वो हमारे भले के लिए हो रहा है। किस लिए हो रहा? भले के लिए। भले के लिए ही हो रहा है। और ये जैसे ही आप सोचने लगेंगे कि भले के लिए हो रहा है, 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 आज एक काम करना, सब लोग मेरे जाने के बाद जब भी आपको समय मिले आप एक ही बात कहना अपने मन में, जो भी आप सोच रहे हो, मान लो कि सोच रहे हो कि मैं आनंदित हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ, आप जो अपने बारे में बार बार रिपीट करोगे ना, वैसा आप फील करने लगोगे। जो भी वो अच्छा या बुरा ये आपके हाथ में, बार बार अगर आप रिपीट कर रहे हो एक ही चीज को, एक ही चीज को, एक ही चीज को, जैसे मान लो मैं आपके, मैं जब भी मिलूं आपसे कहूं कि आप बहुत सुंदर दिखते हो, भूषण भाई जब भी मिले, जब भी मैं आपको मिलूं तो आपसे एक ही बात कहूं, बहुत सुंदर दिखते हो, बहुत सुंदर, आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छे हो, बहुत सुंदर हो, जब भी मैं मिलूं, आप अपने आप को सुंदर फील करने लगोगे कि नहीं करने लगोगे? करने लगोगे ना, क्योंकि इसका प्रभाव पड़ता है। और ये बात लोग नहीं समझता, इसीलिए बार बार मैं आप बताता रहता हूं कि आप वही सोचे जो आपको करना है, आप उन्हीं लोगों से जुड़े जैसा आप जीवन चाहते हैं, आप उन्हीं लोगों से मिले जैसा आप जीवन चाहते हैं, आप वैसा ही सर्किल बनाए जो सपना देख रहे हैं। आप कहीं और जाके कुछ और सपना देख रहे हैं और कुछ और सर्किल में जी रहे हैं तो नहीं बन सकता है जीवन। अगर आप सारा दिन अंधकार की बातें सोच रहे हैं, निगेटिव बातें सोच रहे हैं, हार की बातें सोच रहे हैं, डिप्रेशन की बातें सोच रहे हैं, दंड की बातें सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता है, तो मान लीजिए कि आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा। एक सर्वे है कि आप वैसे 5 आदमी के अनुसार हो जाते हैं जिनके साथ रोज आपका मिलना जुलना, वैसा ही आपका बोल चाल, आब हवा, सब कुछ हो जाएगा। मैं जब यहां नया नया आया तो मैं ठीक ठाक बोलता था, अभी मैं कभी सादरी भी बीच में बोलता हूँ, यहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है वो भी मेरे जुबान पे आने लगता है। क्यों? तो मैं उन्हीं लोगों के साथ सारा दिन रहता हूँ, वो मेरे जुबान पे आ गया। कितना भी बचा, कितने भी बचाने की कोशिश करूँ, आता ही आता है, आता ही आता है, आता ही आता है। तो जिस सोसाइटी में मैं रह रहा हूँ उसका अच्छा और बुरा दोनों ही प्रभाव मेरे जीवन पर पड़ रहा है। अच्छा क्या पड़ा? कि बाइबल थोड़ा बहुत जानने लगा, प्रार्थना थोड़ा बहुत करने लगा, ये प्रभाव भी मिला। लेकिन साथ में और भी कुछ मिला, जो इनका लैंग्वेज है वो भी मिला, गॉड गिफ्ट मिला, वो भी मिला, वो सब कुछ मिलता गया, खान पान मिला, पहनावा ओढ़ावा भी मिला, है ना। कभी कभी देखते होंगे ना गमछा वमछा डाल के आते हैं जोहार, वो भी मिला। आप दिन भर फुटबॉल खेलने वाले आदमी के साथ घूम रहे हो, खेल बैठ रहे हो, खेल रहे हो, और कल सोचो कि नहीं हम गाना क्यों नहीं गा पा रहे, कैसे गाओगे गाना आप? आप दिन भर किसके साथ रहे? फुटबॉल खेलने वाले के साथ। और आप दिन भर किसी गाना गाने वाले के साथ घूम रहे हो और सोचो कि शाम में हमको फुटबॉल खेलने नहीं आता, कैसे आएगा? आप सोच के देखो कि आपका जैसा सर्किल होगा, जैसी संगति होगी, वैसा ही होगे ना आप। तो सबसे पहले कि आपको अपने जीवन में ये सोचना आज बंद कर देना होगा कि आप पे कोई दंड है, क्योंकि आपके दिमाग में ये बात बैठा हुआ है, दंड है, दंड है, दंड है, दंड है, दंड है, दंड है, श्रापित है, श्रापित है, श्रापित है, दंड है। तो उससे क्या होगा कि प्रभु को ये बुरा लग रहा है, कि प्रभु को ये बुरा लग रहा है कि प्रभु यीशु मसीह को भेजने का कोई मतलब नहीं, यीशु को पृथ्वी पे आने का कोई मतलब नहीं है आपके लिए, यीशु के मारे जाने का कोई मतलब नहीं है, यीशु के क्रूसित होने का कोई मतलब नहीं है, यीशु के पुनरुत्थान का आपके जीवन में कोई मतलब नहीं। आप नाम ले रहे हो लेकिन उसका कोई प्रभाव आपके जीवन में नहीं है, यकीन भी नहीं है कि उसके नाम में वो शक्ति है, सामर्थ है, या उसके द्वारा जो हमें आत्मा दिया गया उसके माध्यम से हमारा जीवन बदल रहा है,
ऐसा विश्वास आप में नहीं है, क्योंकि आप बार बार ये कह रहे हो हम पे श्राप है, दंड है, श्राप है, दंड है, तो फिर इसका मतलब विश्वास नहीं है। इस कारण यीशु दुखी है आपसे, ईश्वर दुखी है आपसे। दूसरा कि अगर आपको ये लग रहा है कि आपको दुर्बल है, कमजोर है, हम तो प्रार्थना भी नहीं कर पा रहे, मेरा जीवन भी नहीं बदल रहा है, और जो भी हो रहा है मेरे साथ सिर्फ बुरा ही हो रहा है, इसमें कहां कुछ भला दिख रहा है, तो ये भी एक तय करता है कि आप विश्वासी नहीं है। आपको निरंतर ये कहना होगा कि आपके अंदर, आपके ऊपर कोई भी श्राप की बातें लागू नहीं होती है। क्यों? तो यीशु पृथ्वी पे आया, मारा गया, गाड़ा गया, और उसके पुनरुत्थान से हमारे जीवन के सब कुछ बदल दिया, हमारे जीवन में जो भी कुछ बदलना था उसके नाम के द्वारा बदल गया है, और उसने हमें एक सहायक आत्मा दिया जो हमारे हर वक्त पे, यहाँ तक कि प्रार्थना करना भी, हमारे दुर्बलताओं में प्रार्थना करना भी, हमारे साथ खड़ा होकर प्रार्थना भी करता है, हमारे लिए प्रार्थना भी करता, आहें भर भर के प्रार्थना करता है, और जो भी हो रहा है वो ईश्वर हमारे लिए भला ही कर रहा, बेशक अभी दिखाई नहीं दे रहा लेकिन भला ही होगा, ऐसा हम लोगों का सोच होना चाहिए। इस सोच पे अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो आपके जीवन में कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आ सकता। आप अगल बगल में कुछ लोगों को देखना, मैं कल ही परसों किसी के बारे में बोला था कि जो लोग जितना दुखी रहता है, जितना अपसेट रहता है, जितना चिक चिक करता रहता है, मेरे ही जीवन में ये समस्या है, मेरे ही जीवन में वो समस्या है, मेरे ही साथ ऐसा होना था, आप देखना हमेशा उसके साथ कुछ ना कुछ नया प्रॉब्लम होते रहते, आप देख लेना। जो बार बार बोलता है ना कि मेरा तो किस्मत ही फूटा है, हम कुछ भी अच्छा नहीं होता है मेरे जीवन में, हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, मेरे साथ कोई खड़ा भी नहीं है, आप ध्यान से देखना कि वैसे लोग निरंतर किसी ना किसी प्रॉब्लम में रहते हैं। एक प्रॉब्लम खत्म होता है, दूसरा आ जाएगा, दूसरा प्रॉब्लम खत्म होगा, तीसरा आ जाएगा, तीसरा खत्म होगा, चौथा आ जाएगा, प्रॉब्लम सही में उनके जीवन से नहीं जाता। क्यों? तो वो यकीन करते हैं, वो मानते हैं कि हमारे जीवन में हमेशा प्रॉब्लम ही रहेगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। उनके पास हजारों लोग हैं लेकिन वो मान रहे हैं कि मेरे साथ कोई मददगार नहीं है, सब धोखा देता है, तो उनके पास कोई चाह के भी कोई नहीं जाएगा, क्योंकि वो एक निगेटिव एनर्जी खुद ही फैला रहे हैं। वैसे आदमी से आप बात करके खुद ही डर जाओगे कि पता नहीं ये, जैसे आप उससे बात करोगे ना, मेरा तो कुछ अच्छा नहीं होता है, मेरे साथ तो हमेशा ही ऐसा होता है, फिर आप चुप कर जाओगे। अब आप ईश्वर तो हो नहीं कि किसी को कुछ कन्विंस कर सको। अब सोचो आपका वही स्वभाव है जो आप हमेशा निगेटिव एनर्जी पास कर रहे हो, अपने लिए भी, दूसरे के लिए भी, और आप चाह रहे हो कि पॉजिटिव हो आपके साथ, कैसे होगा? आप हमेशा बुरा बोल रहे हो और सोच रहे हो अच्छा हो जाए, कहां से हो जाएगा? आप सोच रहे हो श्रापित हो और सोच रहे हो आशीषित, आप खुद ही सोच रहे हो श्रापित हो और खुद ही सोच रहे हो कि हम आशीषित क्यों नहीं हो रहे, आप तो खुद सोच रहे हो कि श्रापित है, आप खुद ही सोच रहे हो कि आपको कुछ नहीं आता, आप खुद ही सोच रहे हो कि आपके साथ कुछ बुरा, अच्छा नहीं हो रहा, कभी भी अच्छा नहीं हो रहा, और फिर एक बार आके कहते हो कि अच्छा क्यों नहीं हो रहा। आप जो सोच रहे हो वही होगा ना आपके साथ। कभी घर बनाए हो आप? कभी भी किसी भी घर को बनाने से पहले हम लोग एक इमेज क्रिएट करते हैं, जिसको नक्शा भी बोलते हैं हम लोग, है ना, कि दो कमरा होगा, एक छत होगा, एक सीढ़ी होगा, एक ये होगा। उस इमेज को हम लोग प्रिंट आउट करते हैं, मतलब मैप निकालते हैं और उसके अनुसार घर बनाते हैं। कोई लोग सोचा कि हम नीचे ईंटा बना लेते हैं, ऊपर एस्बेस्टस बनाते हैं, कोई लोग सोचता है कि चलो बांस का बना लेते हैं, कोई लोग सोचता है, किसी लोग का ये सोच है कि चलो मिट्टी का बना लेते हैं। तो आप जैसा सोचते हो वैसा आप घर बना लेते हो। अब आप ये कह रहे हो कि नहीं, मैंने सोचा कि मैं झुग्गी बनाऊंगा, और झुग्गी का पूरा प्लान किया दिमाग में कि इधर से बांस लाएंगे, इधर से पुआल लाएंगे, इधर से ये करेंगे, उधर से वो करेंगे, और जब घर बन के तैयार हो रहा है तो आप सर पटक रहे हो कि पक्का का क्यों नहीं बना, बनेगा, अरे रोहित भाई बन जाएगा घर, आप तो प्लान किए झुग्गी का, मड़ई का,
और बाद में खुद ही रो रहे हो कि पक्का का लिंटर वाला घर क्यों नहीं बना। मैं कई बार लोगों से कहता हूं यहां कि आप सोचते भी नहीं हो, अच्छा कम से कम सोच तो लो अपने बारे में, उसमें कौन सा जीएसटी लग रहा है, अच्छा सोच लो, अच्छा बोल लो अपने बारे में, उसमें भी लोगों को डर लगता है। मैं कई बार लोगों को ज्यादा पैसा बोलने में भी डरना, मतलब करोड़ों रुपया बोलने में भी ना लोगों को डर लगता है, लगता है पता नहीं कोई छीन ना ले, मतलब पैसा है नहीं लेकिन बोलेंगे तो कोई छीन ना ले। अच्छा पहनने में यहां लोगों को डर लगता है, कहीं लोग धनी ना समझ ले हमको। अरे अच्छी बात है ना, लोग आपको धनी समझेगा तो। स्वभाव ही हमारा है कि हमको दबा हुआ कुचलित पीड़ित दिखाना है, और वो दिखा के हम अपने आप को धर्मी भी साबित करते हैं कि नहीं हम बहुत दीन हैं, हम बहुत सहनशील हैं, हम बहुत अच्छे हैं। ये पता नहीं कैसा इमेज क्रिएट करके रखा है हमारे समाज का लोग, और कहां से ये शिक्षा पाई है कि अपने आप को खराब करके आप धर्मी कैसे साबित कर सकते हो। आप सारा दिन कीचड़ में रहो और कहो कि मैं धर्मी हूं, कैसे धर्मी हूं आप। मेरा तो मानना यह है कि अगर हम स्मार्ट दिखेंगे, अगर हम आशीषित दिखेंगे, अगर हम धनवान दिखेंगे, अगर हम ज्ञानवान दिखेंगे, अगर हम प्रज्ञावान दिखेंगे, इससे प्रभु को महिमा मिलेगी। लेकिन यहां लोगों को उल्टा मानना है, उसको लगता है कि नहीं ये घमंड की बात हो जाएगी। कैसे घमंड की बात हो जाएगी, आपका शरीर क्या है, शरीर क्या है भूषण भाई, पवित्र आत्मा का मंदिर है। मंदिर को अगर आप सजा के रख रहे हो, संवार के रख रहे हो, तो इसमें कौन सी बुराई है। यीशु तो वहीं रहता है ना, ईश्वर तो वहीं रहता है ना। आप खुद ही अपने मंदिर को बुरा भला कह रहे हो, खुद ही अपने मंदिर को आप कह रहे हो कि नहीं ये खराब है, गंदा है, इसका कुछ नहीं हो सकता है, हम ठीक नहीं दिख रहे हैं, हम ऐसे हैं वैसे हैं, ये है वो है, और लोग भी आप वैसे ही चुन के रखे हो, आपका उठना बैठना भी उन्हीं लोगों के साथ है जो वो भी रोते ही रहते हैं। अरे आप सोच रहे हो कि अब सब अच्छा नहीं हो रहा, अच्छा कैसे हो जाएगा। आज आपको एक सोच बदलनी होगी, यहां से आज के बाद से आपको कभी भी ये नहीं कहना होगा कि आप श्रापित हैं, कभी भी ये नहीं कहना होगा कि मेरे लाइफ में बुरा ही हो रहा है। आज से आपको हमेशा जो हर चर्च में हर जगह पे और मेरी भी हर प्रार्थनाओं में लगभग दोहराई जाती है कि वही अनुग्रह वही प्यार मेरे जीवन में आज भी है, जिस अनुग्रह जिस प्यार को 2000 वर्ष पहले दिखाया गया था, वो क्या अनुग्रह हो क्या प्यार था ईश्वर की ओर से। यीशु मसीह को पृथ्वी पे भेजा गया, उन्होंने यहाँ तकलीफ झेला, वो यहाँ पीड़ित किए गए, मारे गए, गाड़े गए और उनका पुनरुत्थान हुआ। वो किसके लिए हुआ, वो मेरे लिए हुआ। ये दया ये अनुग्रह दिखाया गया, इसीलिए उस नाम में इतनी शक्ति और सामर्थ्य मिल गई कि यीशु नाम एक बहुत बड़ा नाम हो गया। उस नाम से बड़ा कोई नाम नहीं है, उस नाम से ज़्यादा कोई सामर्थी नाम नहीं, और उसी नाम से हमारा उद्धार हुआ। इसका फायदा क्या होता है सो मैं बता रहा हूं आपको। अब मान लीजिए कि आपके जीवन में कोई बुराई है, बुराई तो हम लोग करते रहते हैं, चलो आप शराब पी लिए, आप व्यभिचार में गिर गए, आप किसी को गाली दे दिए, है ना, यीशु को आप साइड कर दो और खुद ही जाके बोलो कि प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, जैसे पहले होता था, तो ईश्वर कहेगा कि कौन हो तुम, इतना सारा पाप किए हो, चलो इस पे दंड की आज्ञा देंगे, इसके साथ ऐसे करेंगे, इसके साथ वैसे करेंगे, इसको पनिश करेंगे, और तो आपका कोई भाई मीडिया नहीं, कोई लिंक नहीं। अब इसको ऐसे समझते हैं, जैसे ही हम कहें कि हे पिता यीशु के नाम से हमारी मुक्ति होती है, यीशु अब राइट साइड में बैठे हुए, बोले पापा देखिए आप भेजे थे हमको पृथ्वी पे, आप भेजे थे ना, और आप बोले थे कि तुम जब मरोगे तो सारे श्राप लाद दिए जाएंगे,
अब उसने जो गुनाह किया उसके लिए तो मैं पिट चुका हूं पहले से, उसी के लिए तो मेरे भाला घोपा गया है मेरे अंदर, उसी के लिए तो बर्छी, उसी के लिए तो कोड़ा खाए हैं, जाने दीजिए ना, उसको छोड़ दीजिए। तो पापा बोलेंगे ठीक है जाओ। यीशु इसी काम के लिए राइट हैंड साइड में ईश्वर के बैठे हुए, जैसे आप प्रार्थना, पिताजी जाने दीजिए भूषण को, मैंने गारंटी ले रखी है, उसका भरपाई मैं करूंगा, उसका जमानत मैं दे रहा हूं। हालेलुया, यही हो रहा है ना। और इतनी साधारण सी बात हम लोगों को समझ में नहीं आती कि हमारा एक जमानतदार, हमारा एक गारंटी, हमारा एक वैसा व्यक्ति बैठा हुआ है, वैसा शक्ति बैठा हुआ है कि जैसे हम कुछ किए यीशु के नाम से, वैसे खट से वो बोला पीपा पापा पापा पापा, देखिए राज को छोड़िए, जाने दीजिए, इसके बदले में हम सब भुगत के आए हैं, आप ही बोले थे कि तुम भुगत लोगे तो राज पे कुछ लागू नहीं होगा, देखिए मेरा नाम लेके गुहार लगा रहा है, छोड़िए इसको, जाओ, तुम्हारे पाप को मैं दोबारा याद नहीं करूंगा, तुम्हारे श्राप को मैं, तुम्हारे पाप को मैं पोटली बना के समुद्र में फेंक देता हूं, दोबारा याद नहीं। ये शक्ति है यीशु नाम में, ये ताकत है, वो मिडिल मैन बैठा हुआ है हमारे और पिता के बीच में। ये तो उसको हटा के जब सोचिएगा, पहले क्या होता था, पहले लोग इतना सारा बलि वली का सामान लेके जाता था, फिर काट पीट होता था, फिर 5 दिन के बाद लेके जाता था, श्राप मुक्ति ही नहीं होता था वो लोग, रोज एक बकरा, रोज एक भेड़, रोज एक ये वो लेके जाता था। अभी आपको ये प्राप्त है, आपको ये प्राप्त है, लेकिन फिर भी आप उसी मिडिल मैन पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, वही जो आपके लिए दिन रात बैठा हुआ है और दिन रात। अब देखिए उसका काम क्या है, एक और मजेदार चीज मैं आपको बताऊं, एक तो खुद यीशु वहां बैठा हुआ है, जैसे ही आप यीशु नाम से कुछ बोल रहे हो वो बोला पापा 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 पापा, पिताजी पिताजी पिताजी, देखिए देखिए ऐसे नहीं, जाने दीजिए बेचारे को। और दूसरा कि कितना महान है वो यीशु, आज दूसरी बात में समझिए, दूसरा कि नीचे जैसे आप चल रहे हैं, आप गिर गए, यीशु बोला पवित्र आत्मा को जाओ 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 जाओ, देखो देखो देखो, तुमको वहां खड़ा रहना है, साथ देना उसका। अब ऊपर खुद ही पिताजी के पास हमारा पैर भी लगा रहे हैं और नीचे पवित्र आत्मा हमारे साथ लगा के रखे, देखो 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 गिर रहा है, संभालो उसको, देखो उसको यहां समस्या आ रही, देखो वो पढ़ नहीं पा रहा, देखो उसे शराब नहीं छूट पा रहा, देखो उसे लड़की छूट नहीं पा रहा, देखो वो कर्ज में है, जाओ पवित्र आत्मा, देखो उसको मदद करो, उसको गाइड करो, उसका सहारा बनो। दोनों तरफ स्टैंड लिए हुआ है यीशु मसीह, हालेलुया, दोनों तरफ क्या किया हुआ है, स्टैंड लिए हुआ है, इधर भी बैकअप उधर भी बैकअप। फिर भी आप कह रहे हैं कि हम शराब भाई, फिर भी कह रहे हैं हमारे पास बुरा नहीं होगा, यीशु मसीह क्या करे आप, हम बता दीजिए। प्रैक्टिकली यही हो रहा है ना पृथ्वी पे भूषण भाई, यही हो रहा है ना। अब दूसरा क्या करे, आपके साथ फुल टाइम सपोर्टर दिए हुआ है और अपने आपके लिए पिता ईश्वर के दाहिने बैठा हुआ है, अब दूसरा क्या करे, और फिर भी आप कह रहे हैं श्रापित हैं, मेरे साथ कुछ अच्छा हो नहीं रहा। हालेलुया, तो ये अविश्वासी का बहुत बड़ा गुण है, इसका मतलब कि आप यीशु मसीह को मानने वाले लोग नहीं है। इस बात को आज से कहना बंद करना होगा और यकीन करना होगा कि हमारे और आपके जीवन में जो भी घटनाएं घट रही है, बेशक आज आपको समझ में नहीं हो रहा आ रहा है, लेकिन समय इसका जब रिजल्ट आएगा तो अच्छा ही होगा। और इसके बहुत सारे उदाहरण हैं जो मैं दे सकता हूं, लेकिन उस उदाहरण की जरूरत नहीं है, मैं सारांश में बता दूं। अय्यूब के घर में सारा कुछ बर्बाद हो गया, उसके लिए बुरा हुआ कि अच्छा हुआ, अच्छा हुआ ना, उसके लाभ का हो गया है ना। जितनी भी घटनाएं मैं आपको बताता जाऊं, ये भी इनकी और किसी की बात छोड़ दीजिए, यीशु का मरना उनके लाभ के लिए हुआ कि हानि के लिए हुआ, लाभ के लिए हुआ है ना। जितनी भी घटनाएं बाइबल में घटी है, जब आप उसको समझेंगे जानेंगे, जैसे मैंने लाजर के लिए बताया आपको, तो जितनी भी घटनाएं घटी है वो सब बाद में आपको पता लगेगा कि उन लोगों के लिए लाभ के लिए ही हो गया है। और आप मानते हैं कि आपके जीवन में कुछ भी हो रहा है वो लाभ के लिए नहीं है, आपके घर में किसी को कैंसर है वो आपके लाभ के लिए है, आपकी नौकरी नहीं लग रही है वो लाभ के लिए है, आपको रिजेक्ट कर दिया जा रहा है वो आपके लाभ के लिए है। एक छोटी सी घटना सुना के मैं फिर समाप्त कर देता हूं, कैसे लाभ के लिए जीवन होता।
एक व्यक्ति किसान परिवार में जन्म लिया और सोचा कि हम किसानी नहीं करेंगे यार, हमने नौकरी वकरी करेंगे। तो थोड़ा सा मेहनत वहनत करके वो नौकरी करने चला गया भाई। नौकरी करने चला गया तो इंटरव्यू में सारा सिलेक्शन वगैरह हो गया। सिलेक्शन हो गया तो लास्ट में जो इंटरव्यू करने वाला था वो पूछा कि भाई ईमेल आईडी क्या है आपका? तो बोला सर ईमेल आईडी क्या नहीं है मेरे पास। तो बोला तुम्हारे पास ईमेल आईडी नहीं है, और उसको रिजेक्ट कर दिया। ये बेचारा बड़ी परेशानी में था कि एक सिंपल सा ईमेल आईडी के लिए रिजेक्ट कर दिया। इसको लगा कि पता नहीं क्या है। बाहर आया, ऑफिस के बाहर बहुत देर तक खड़ा रहा। खड़ा रहने के बाद इसको ध्यान आया कि इसके पॉकेट में 100 रुपया है। कितना? 100। तो चूंकि किसान परिवार से था, ये गया टमाटर खरीद लिया। उस 100 रुपये के टमाटर से ये घूम घूम के टमाटर ले लो, टमाटर ले लो, टमाटर ले, टमाटर बेचा। वो 100 का 120 हुआ, फिर दूसरे दिन 150 हुआ, 200 हुआ। ऐसे करते करते 2-4 साल में वो छोटा ठेला खोला, ये खोला, वो खोला, फिर सुपरमार्केट में वो तब्दील हो गया। एक दिन वो बैठा हुआ था तो सोचा कि अब इसका इंश्योरेंस करा ले। तो फ़ोन किया कि इंश्योरेंस कंपनी वाले उसके पास पहुँचे और कहने लगे कि भाई इंश्योरेंस कर लीजिए। बोला हाँ कर दीजिए। तो फिर उससे पूछा कि ईमेल आईडी है आपका? तो बोला कि अगर ईमेल आईडी होता तो हम शायद यहाँ नहीं होते। एक बात बताओ, वो नौकरी उसका छूट जाना अच्छा हुआ या बुरा हुआ? अच्छा हुआ ना, है ना। कल ही परसों मैं किसी को बता रहा था कि धोनी साहब जो धोनी है, हम लोग के रांची के जो इंटरनेशनल फेम देने वाले हैं, वो पहले रेलवे में काम करते थे, टीटी थे। वो नौकरी छोड़ के भाग गए। अच्छा किए कि बुरा किए? अच्छा किए ना। लेकिन उस समय उनका घर वाला आँ वाँ कर रहा था, कौं कौं कर रहा था, नौकरी छोड़ दिया, सरकारी नौकरी छोड़ दिया, है ना बुधन भाई, सरकारी नौकरी छोड़ दिया, काँ 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 कर रहा था। वो अच्छा किया कि बुरा हुआ? अच्छा हुआ ना। कलाम साहब के बारे में पढ़िएगा तो कलाम साहब के जीवन में बहुत सारे उथल पुथल आए। जितने भी लोग देखिएगा, बहुत सारा कहानी है मैं जो सुना सकता हूँ आपको, लेकिन आपको उनके जीवन में देखिएगा तो आपको पता लगेगा कि वो लोग बहुत ज़्यादा फेल्योर देखे हैं, बहुत ज़्यादा फेल किए हैं, बहुत मेनी टाइम वो अनसक्सेस देखे हैं। लेकिन उनमें और हम में, हम सब में फर्क ये है कि अनसक्सेस उनके दिमाग पे नहीं चढ़ा, वो अपने जमीन से जुड़े रहे। बिल गेट्स साहब का एक बहुत पॉपुलर कहानी है, मैं 2 लाइन का सुनाऊं आपको कि कैसे वो लोग अपने आप को याद रखा और आज भी याद रखा हुआ है। बिल गेट्स साहब एक बार कहीं कहीं खाना खाने गए तो खाना खाने के बाद जब निकले तो वेटर को वो टिप में $10 दिए। बेटर इनके साथ ऐसे घूरा ऐसे, ये पूछे क्या हुआ? तो सर कल बेटी आपकी आई थी, वो तो $100 टिप देके गई, आप तो $10 देके गए, बेटी $100 आप। तो वो बोलने लगे कि भाई वो बिल गेट्स की बेटी है, हम एक किसान के बेटे हैं, वो $100 उस पर शोभता है, मेरे ऊपर शोभता नहीं है, मुझे अपना औकात याद रहता। हालेलुया। आदमी को हमेशा वास्तविकता याद जरूर रखना चाहिए, लेकिन अपने काम के प्रति विश्वास आप ही को नहीं है कि आप कहाँ पहुँच सकते हो, क्या कर सकते हो। जब भी कोई नाकामी हो जा रही है या फ्रस्ट्रेट होकर टूट जा रहे हो, और सबसे ज़्यादा सबसे बुरी बात, अपने आप को और प्रभु को आप कोसने लगते हो और आपको लगता है कि आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। अगर ये सोच आप नहीं बदले तो आपके जीवन में सच में कुछ अच्छा नहीं होगा। आज से कहना है कि सारी बातें मिलकर सिर्फ और सिर्फ भलाई उत्पन्न करती है, क्योंकि हम प्रभु से प्रेम करते हैं और प्रभु हमारे जीवन से प्रेम करता है, और हम में कोई भी दंड की आज्ञा, श्राप की आज्ञा लागू नहीं होती है। क्यों? तो यीशु हमारे लिए पृथ्वी पे आया है, उसके मारे जाने से, उसके गाड़े जाने से, उसके पुनरुत्थान से, यीशु नाम से हमें हर चीज से मुक्ति मिली है, और हम आशीषित होने के लिए ही जन्म लिए हैं। और कभी कभी समस्याएं आएंगी तो हरिवंश राय वचन का वो कोट, मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा। प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे, आमीन। आइए हम आखिरी प्रार्थना में जाएंगे।
आइए हम प्रार्थना करें। सर्वप्रथम हम पिता से क्षमा मांगेंगे कि जब जब हमने सोचा कि हम श्राप में हैं, दंड में हैं, हम कलंकित हैं, हम बदहाल हैं, हमारे जीवन का कुछ भी नहीं होता, हमें कुछ नहीं आता है, प्रभु हमारे साथ बिल्कुल बुरा ही बुरा होता रहता है, खराब ही खराब, कभी कुछ अच्छा होता ही नहीं है, इन तमाम बातों के लिए हम क्षमा चाहते हैं प्रभु की। निरंतर हम यही सोचते हैं और हम ऐसे ही लोगों के साथ रहते हैं कि वो हमें समझाता भी है कि तुम्हारा कुछ अच्छा नहीं हो सकता, कभी कुछ अच्छा आज तक हुआ ही नहीं है तो आगे क्या होगा। प्रभु ये सोच के लिए और इस संगति के लिए तुझसे क्षमा चाहते हैं और आज हम सारे मन से सारे दिल से तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमसे इतना प्यार किया है कि यीशु को पृथ्वी पे भेजा है, उनके मारे जाने से, उनके गाड़े जाने से, उनके पुनरुत्थान से, यीशु नाम से हमें यह सामर्थ्य है कि हमें सारे श्रापों से हमारी मुक्ति हो गई है और हम चाहे जितना भी दुर्बल हों, तूने हमें एक सहायक आत्मा दिया है जो हमारे लिए आहें भर भर के प्रार्थना करता है और हमारे जीवन में चाहे जो भी समस्या हैं, जो भी बातें हैं, सारी बातें मिलकर हमारे लिए धन्यवाद, हमारे लिए भलाई उत्पन्न करती है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हमारा सब कुछ मन से, तन से, दिल से आपका धन्यवाद करता है प्रभु, इस धन्यवाद को स्वीकार कीजिए। जो भी यहाँ है इस गाने को साथ में गाएंगे, जो लोग YouTube पे हैं, जहां भी है, सब कोई इस गाना को जानता है और साथ में गाएगा। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं, सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं, सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं, सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। हे प्रभु, जितने तेरे बीमार बच्चे हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, शालीन, गोरेटी, दिव्या, दीपा, हर्षित, अजय, फुलजेंस, एलिजाबेथ, निशा, मेघा, राम प्रवेश, मैक्सिमा, जैस्मिन, जो लोग नशे से ग्रसित हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, आनंद, सुनील, ज्वाय, जो लोग पढ़ाई, एग्जाम, नौकरी के लिए प्रार्थना चाहते हैं, अंजू, याशी, नेहा, रीतिका, विवेक, दीपेश, सुशन, अनमोल, अविद, अलका, अश्रिता, प्रदीप, गोडलीवा, जयप्रकाश, प्रेमदीप, संजीरा, उषा, अनीशा, प्रदीप, सरोज, मायरा, शरीफ, सप्रिंस, मोजेश, सृष्टि, अर्पण, जो लोग पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं प्रार्थना चाहते हैं, अजीत, कुलदीप, रोशन, कंचन, जो लोग पारिवारिक प्रार्थना चाहते हैं, शलोनी, अनामिका, गुड्डी, अनीता, रीमा, शरीता, जो लोग किसी अन्य विषय के लिए प्रार्थना चाहते हैं, शरीता, पुष्पा, शीतलवा, जो आर्थिक समस्या के लिए प्रार्थना चाहते हैं, वायलेट, प्रेम प्रकाश, जो निसंतान हैं प्रार्थना चाहते हैं, सुमन, ग्लोरिया, किशोर, ताजा, मंजू, जो लोग विवाह के लिए इच्छुक हैं प्रार्थना चाहते हैं, वंदना, रंजीत, अनुसुंता, अनीता, अजय, और जिसका जन्मदिन है, जितने लोगों का जन्मदिन है मैं उन सबके लिए प्रार्थना करता हूँ कि यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा, अकाल के समय में तृप्त करेगा, तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, तो सींची हुई ऐसे बारी के सोते के समान होगा जिसकी जलधाराएं कभी नहीं सूखती। हे पिता, आज हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा, तेरी आराधना, तेरा गुणगान करते हैं। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु।
ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तेरी आराधना मैं करूं, तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। प्रभु जितने बुजुर्ग माता पिता हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, जितने छोटे बच्चे हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, जितने विधवा विधुर हैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, और मैं प्रार्थना करता हूँ जितने पति पत्नी हैं उनके लिए, जितने निसंतान लोग हैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, जितने प्रशासनिक गैर प्रशासनिक पदाधिकारी हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, जितने टीचर हैं प्रोफेसर हैं डॉक्टर्स हैं इंजीनियर्स हैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, जितने लोग इन दिनों यात्रा में मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, जितने सेवक दास दासी हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, जितने लोग हमें दान दशमांश से श्रम के माध्यम से हमारा या हम जैसे किसी भी सेवकाई की मदद करते हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु उनके कुप्पी का तेल उनके कंटेनर का आटा जीवन में कभी समाप्त ना हो पिता, ऐसी हम कामना करते हैं। तू दयालु है, तू कृपालु है, तू ही प्रेमी है मेरे प्रभु, तेरी आराधना मैं करूं। तू दयालु है, तू कृपालु है, तू ही प्रेमी है मेरे प्रभु, तेरी आराधना मैं करूं। तू दयालु है, पालु है, तू ही प्रेमी है मेरे प्रभु, तेरी आराधना मैं करूं। तू दयालु है, तू कृपालु है, तू ही प्रेमी है मेरे प्रभु, तेरी आराधना मैं करूं। सारे दिल से से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। हे पिता पूरे विश्व के लिए शांति की कामना करते हैं और इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं, दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। तो धन्यवाद, प्रभु आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आप उसकी प्रार्थना से आराधना से वचनों की उद्घोषणा और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। प्रार्थना द परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करते हैं। आज के लिए इतना ही, हम सबको इजाज़त दीजिए, कल संध्या में हमारी आपकी फिर से मुलाकात हो जाएगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सरकारी नियमों का पालन करें, प्रभु के आदेश का पालन करें। जैसा मैं रोज कहता हूँ कि हम सब में बहुत सारी दुर्बलताएँ हैं, कृपया हमें क्षमा करें और हमारे लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना तो परिवार अगर आप किसी भी काम आए तो कृपया हमें संपर्क करें, हम सब अपने आप को धन्य समझेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय श्री यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट। गुड बाय। सारे दिल से सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना।